नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ की हम कैसे तैयारी करें, कि कम से कम अगर 19 प्रश्न आ रहे हैं, 19 प्रश्न तो कम से कम तो 10 सही हो जाएं। देखिए, कम से कम 10 तो सही हो जाएं। जिनका एक भी दो भी प्रश्न नहीं आता, जो मैथ से बिल्कुल डरते हैं, मैथ से भागते हैं, हम उनको बताएंगे कि देखिए 19 प्रश्न आता है तो 19 के 19 सबको करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनमें से आप देखिए कि कौन से ऐसे प्रश्नों को हम हल करें कि हमारा सही हो जाए। तो कम से कम 10 प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल एकदम बेसिक होते हैं। अगर आप उन बेसिक प्रश्नों को गलत कर दे रहे हैं तो जान लीजिए कि बहुत ही गलत बात है। ऐसे प्रश्नों को आप गलत करने ही नहीं है। जैसे कि प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, हम आपको बारी बारी ऐसे 10 प्रश्न हल करवाएंगे जो कि बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल आसान होता है अगर आप पैटर्न सीख गए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको हम पूरा परिपक्व बना देंगे, एक महीने में आपको पूरा परिपक्व नहीं बना पाएंगे, लेकिन 100% अगर आप मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे मैथ का, 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, उन 10 क्वेश्चन को अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली जो नहीं समझ में आ रहा उसको रिवीजन कर लीजिए, हाँ इस टाइप का अगर प्रश्न आएगा हमको इस तरह से लगाना है, तो 100% मेरा दावा कि 10 से कम तो आपको सही होंगे नहीं। जिनका एक भी दो भी क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, जो मैथ बिल्कुल अभी समझना नहीं चाहते हैं, वो भी अगर मैथ का क्लास मेरा देखेंगे तो 100% दावा कि 10 सही हो जाएंगे। चलिए, हम जो है पेपर है 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का। तो हम उनमें से 19 में से वही 10 प्रश्न चुने हैं जो कि बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान है कि आप उनको चुटकी में हल कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न है 1. यहाँ है दशमलव, ठीक है, 1.8 अपान 1200, मतलब 1.8 भागा 1200, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान, क्या करना है आपको, कुछ नहीं। देखिए, 1.8 का है तो 1.8 आप भी लिखिए, भागा है तो बट्टे में करिए 1200, ठीक है, 1200। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से दशमलव आप हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे कैसे, यहाँ पे गुणा करिए 10 से, तब तो दशमलव हटाएगा तो नीचे भी 10 से गुणा होगा, ठीक है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12000। अब क्या करना है, अब या तो डायरेक्ट आप 12 से 18 में भाग दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट आप 12 से 18 में भाग दीजिए, कैसे, जैसे 12 है, 12 भागा 18 करिए, अभी जो जीरो छुड़िए 12 भागा 18, 12 कम 12, 8 में 2 6, फिर दशमलव आएगा क्योंकि कटेगा नहीं, तो दशमलव आया तो यहाँ होगा 0, 12 5 60, ये क्या कैसे आया, क्या 1.5 आया, 1.5। अब नीचे क्या बचा, जब 12 खत्म हो गया, ठीक है, 12 तो खत्म हो गया, लेकिन नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका 1000, ठीक है, यहाँ से अगर खत्म हुआ तो नीचे तो भी 1000 बचा ना, अब बताएं कैसे 1000 बचा, तो 30 है, 30 का अर्थ क्या होता है, 30 अगर बाद में तो उसका अर्थ होता है 1000। तो अब यहाँ है, अब इसको कैसे दशमलव अगर हटाना है तो क्या करेंगे, देखिए 3 है तो ऊपर भी 3 अंक में दशमलव रहना चाहिए, 3 अंक में दशमलव, ऑप्शन देखिए, ये एक अंक में दशमलव है, जैसे 1.5 तो हमारा आंसर आया ही है, तो कहाँ दशमलव रहना चाहिए, 3 अंक पे, तो यहाँ तो नहीं होगा, ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक उसके जो है तो वहाँ दशमलव, यहाँ 3 है तो इसके बाद 3 अंक और पीछे लाना है, यहाँ है यहाँ भी नहीं, यहाँ देखिए 1, 2, 3, यहाँ 1 था तो 1000 से हम करेंगे तो 3 आया, तो ऑप्शन नंबर सी, लेकिन कैसे बताइए, 1.5 है तो 3 इधर करना है, 3 है तो दशमलव इधर, 1, 2, फिर यहाँ आ गया 1, ठीक है, क्योंकि तो एक को भी तो गिनेंगे हम, फिर यहाँ दशमलव लगा दिया, यहाँ आ जाएगा आंसर 5, ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया है, 1.8 था, 1.8 भागा 1200 था, तो डायरेक्ट हम कर दिए, अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा करेंगे, अगर 80 होता 1.80 तब भी हम इसी तरीके का नियम अपनाते, ठीक है, अगर 82 होता, मान लीजिए यहाँ 82 होता तो हम 100 से गुणा करते हैं, लेकिन 1 था मतलब 8 था तो इसलिए वहाँ पे केवल 10 से गुणा करें। ऐसे प्रश्न बहुत आराम से आप लगा लेंगे, ऐसे प्रश्न हर बार आएंगे, हर बार आएंगे, ये मेरा दावा है कि हर बार प्रश्न आएंगे, इस बार भी आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, यही होता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न हमारा है 11/8 भागा 33/56 कैसे लगाएंगे। देखिए, चुटकियों के सवाल होते हैं, सब चुटकियों में लगने चाहिए, लेकिन मेरे मैथ में ऐसे ही नहीं सही थे, ठीक है, 17-18 क्वेश्चन मेरे मैथ में ऐसे ही नहीं सही थे, लगातार प्रैक्टिस करने पे ही सही हुए थे। 11/8 तो लिखिए यहाँ पे, 11/8 भागा है तो भागा जब लिखेंगे तो गुणा लिखे पहले, जैसे भागा को अगर परिवर्तित करेंगे हम गुणे में तो क्या होगा, जो ये अंक हैं परिवर्तित हो जाएगा, जैसे 33/56 है तो ऊपर हो जाएगा, 56 जाएगा ऊपर, 33 जाएगा नीचे, समझ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे अगर भागा रहेगा, ऐसे गुड़े को अगर भाग में बदलना है तो इनको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, भागा को गुड़े में बदलना है तो इनको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, जैसे कि भागा था 33/56 तो जब हम यहाँ गुड़ा भागा के चिन्ह को बदलेंगे तो ये अंक भी बदल जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, तो क्या करना है, अब देखिए काटा पीटा करिए, 11/33 में 11 1 11 11 33 3 आया, यहाँ 8, यहाँ आ गया 7, ठीक है, आंसर क्या आया, 7/3। अब ऑप्शन देखिए, 7/3 कहाँ है,
कहाँ है 7/3 आपको दिख रहा है? कहीं नहीं है। तो यहाँ देखिए 7 है, ऑप्शन गलत। यहाँ जो हर है वो 7 है, आलस है 3। यहाँ है हर 2, ये भी गलत। अब बचा 2, 7 सही 1/3, 2 सही 1/3। अब देखिए कैसे निकला है, 7 तरीके कैसे 22/3, इसको अगर बदलेंगे तो 22/3 आएगा, इसको बदलेंगे 3 × 6 = 7, 7/3 आएगा। तो अब बताइए 7/3 किस में है, डी में है या फिर बी में है? स्वाभाविक सी बात है कि डी में है, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर होगा डी। चलिए अब हम कुछ नेक्स्ट प्रश्न पे बात करेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है 54, 162, 179, इनका एच सी एफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य, ये कैसे लगाना है। फिर चौथा प्रश्न हमारा है 64, 128 और 160, इनका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है और बहुत आसान से आप लगा लेंगे। जैसे कि महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य का मतलब है कि ये जो अंक दिए गए हैं 54, 162, 179, किस बड़े से बड़े अंक से तीनों के तीनों विभाजित हो जाएंगे, तीनों के तीनों कट जाएंगे। सिंपल सी भाषा में तीनों तीनों कटने चाहिए सबसे बड़े अंक से। जैसे कि मान लीजिए हम लिख दिए 2, 18 और 27, 21 बड़े से बड़े अंक से कटेंगे। देखिए 2 से तो सॉरी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए किस बड़े से बड़े अंक से ये कट जाएंगे, जैसे कि क्या 4 से कटेंगे, नहीं, क्या 3 से कटेंगे, हाँ 3 से ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से 27 भी कटेगा, लेकिन क्या वही आंसर होगा, क्या वही आंसर होगा? नहीं दोस्तों, बड़े से बड़े तो सबसे बड़े क्या अंक उठाना चाहिए, जो इसमें छोटा है उसको उठाइए। 18 है तो 18 से क्या 54 कटेगा, क्या 27, नहीं, फिर 18 में 2 से भाग दीजिए, 18 में 2 से भाग देंगे आएगा 9, 9 आएगा, 9 से 18 में भाग दीजिए 2 बार में जाएगा, 9 से 27 में 3 बार में, 9 से 54 में 9×6=54, तो इसका मतलब जो इसका महत्तम समापवर्त्य है वो होगा 9। 9 ही वह बड़े से बड़ा अंक है जो 54, 18 और 27 को विभाजित कर देगा। उसी तरीके से सेम वही पैटर्न है, ठीक है, सेम वही पैटर्न है कि 54, 162, 189, तो इसको लगाने का तरीका क्या है, आप ऑप्शन देखें। देखिए जो आपको नहीं समझ में ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए। जैसे कि इसमें क्या है, 27 है, 54 है, 14 है, 17 है, तो देखिए पहले 17 से भाग देने का प्रयास करिए, क्या 17 से इसमें से कोई कट रहा है, तो देखेंगे कि 17 से 54, 17 से 51, यही 54 ही नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हटाइए। दूसरा देखिए 14 से 54 कटेगा, नहीं, 54 से 54 कटेगा, ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर 54 से 162 में भाग दीजिए, 54 से फिर 162 में भाग दीजिए, तो 54 में मान लीजिए कि हम 4 से गुणा करें, 4×16 = 5×20, तो मतलब 54 भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन 27 से अगर भाग देंगे 54 भी कटेगा, 27 से अगर 54, देखिए 54 में 27 से भाग देंगे तो आएगा 2, फिर 162 है, 162 में 27 से भाग देंगे आएगा 6, ठीक है, 6 आएगा। फिर 189 है, 189 में भी अगर हम 54 से भाग देंगे 27 से, तो देखिए लगभग आएगा 7, ठीक है, तो इसका मतलब 27 ही वो बड़े से बड़ा अंक है जो 54, 162, 189 को विभाजित कर देगा। तो ऐसे प्रश्न आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, ऑप्शन को देख के भी आप लगा सकते हैं। चलिए उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए कभी भी अगर महत्तम समापवर्त्य, महत्तम का मतलब वह बड़े से बड़ा अंक जो कि उपरोक्त दिए हुए प्रश्न में जो अंक हैं उनको विभाजित कर दे, वह बड़े से बड़ा अंक। लौसव क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य, वही प्रश्न है नेक्स्ट हमारा कि लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, इसमें दिया है 64, 128, 160, इसका एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा अंक है जो कि इन सबसे विभाजित होगा, ठीक है, इन सबसे विभाजित, जैसे कि 64 से 64 विभाजित हो जाएगा, लेकिन 160 से होगा, नहीं, तो देखिए इसका निकालने का सीधा तरीका ऐसे भी होता है, 64 हो गया, फिर 128 हो गया, फिर 160, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे आप 2 से ले जाइए, सिंपल 232 जाएगा, 2×12, 2×8, फिर आएगा 80। आप लोग को जो आ रहा है आप ऑप्शन में कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ पहला का दूसरा का क्या है, ठीक है, हम मान रहे हैं कि इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि तुरंत देखते हुए लगा देंगे, तो ऐसे आप काटते हुए जाइए। अभी हम बता दे रहे हैं, ये तो मान लीजिए कि लंबा प्रोसेस जिसको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए 10। अब बताए 2×2=4, 2×4=8, 2×5=10, फिर आइए, ठीक है, 2, 1, 2, 5। अब देखिए 2 और 5 बच्चा छोड़िए, तो 2×4×8×16×32×32×64, 64 और 5×2=10, 64×10 बराबर क्या जाएगा 640। मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड था, डी ऑप्शन था, वही हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गया इस तरीके से। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बनने चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि क्या होगा, तो क्या करना है आपको, 64 है, 128, 160, इनमें से देखिए कि कौन कट जाएगा, तीनों से कौन कटेगा, वो भी बड़े से बड़ा अंक चाहिए कि जो तीनों से कट जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे 64 से केवल 64 कटेगा, 64 से 512, ठीक है, कट सकता है,
320 भी कट सकते हैं, लेकिन 640 64 से 128 160 दोनों से कटेगा, वो भी महत्तम है, बड़े से बड़ा वही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आपको पता है तो इस तरीके से आप सिक्वेंस से लगाइए, तब भी आप लसो आराम से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पाँचवा प्रश्न अपना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पाँचवा क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन पिछले सालों में ये और बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस आपको लगाने की बात होती है। आप लोग मैथ से जितना डरेंगे उतना मैथ आपको नहीं आएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 84 कोई अंक है, 84 को 5 संबंध 9 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, 84 को 5 संबंध 9 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हम आपको बताएंगे सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे छोटी, बहुत ही आसानी से। छठवा प्रश्न क्या है, यक्ष अनुपात 16 समानुपात 53 संबंध 36, तो इसको भी हम बताएंगे। पहले ये देखें, यदि 84 को 5 संबंध 9, मतलब 84 कोई संख्या, उसको 5 संबंध 9 में विभाजित किया तो 5 संबंध 9 दोनों जुड़िए कितना आएगा, 5 और 9 कितना आएगा 14। अब देखिए 14 का ही मान दिया है 84, 14 का मान है 84, ठीक है 14। जैसे ax समझिए 5x और 9x है, तो यहाँ हम कर सकते हैं कि 14x है, 14x बराबर 84, तो x बराबर क्या हो जाएगा 84/14, ठीक है। तो 14 से 84 भाग दीजिए, 14 से 84 में भाग दीजिए कितना आएगा, ठीक है हो गया क्लियर। अब देखिए x बराबर 6 आ गया, तो 5x और 9x है, तो स्वाभाविक बात है 5 और 9 में कौन बड़ा है, पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछा है तो 9। तो यदि x बराबर 6 है तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 9x बराबर x में 6 है तो 9x 9 छके 54 हो जाएगा, 54 तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक क्लियर, अगर छोटी संख्या पूछता तो 5 6 5 6 30 हो जाता, ठीक है हो गया बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी हो जाता 5x बराबर 30, ठीक है समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। 84 है, 84 को 5 संबंध 9 में विभाजित कर दिया गया, तो हम समझेंगे कि 5x और 9x है, 5x और 9x में विभाजित किया गया तो दोनों को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 5x प्लस 9x बराबर हो जाएगा 14x। अब एक x की वैल्यू, x बराबर 84/14, एक x की वैल्यू हो जाएगी 6, तो x बराबर 6 आ गया, तो अगर बड़ी संख्या पूछा है 9 पूछा है तो 9 में 6 से गुणा कर देंगे कितना होगा 54, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है हमारा छठवां प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आएंगे आप विश्वास करिए, इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 63 होगा, अरे यहाँ 63 रख दीजिए, तो 63 रखेंगे, देखिए तो 16 × 63/36 हो जाएगा, तो 4 × 9 = 36 और 9 × 7 = 63, तो 7 × 4 का गुणा करें x बराबर हो जाएगा 28, ठीक है x बराबर 28। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही गलती हो गया था, यहाँ 53 नहीं बल्कि 63 होना चाहिए, तो x अनुपात 16 समानुपात 63/16/36। तो देखिए हाँ क्या करना है, पहले का गुणा चौथे में, दूसरे का गुणा तीसरे में, यही होता है बराबर, तो x गुणा 36 बराबर 16 × 63, तो x बराबर 16 × 63 = 36 उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, इधर गुणा है तो उधर हो जाएगा डिवाइड, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 × 63/36, तो काटा पीटा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 28, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अब देखिए सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी है जो किसी परीक्षा में 75 में से कुल 66 अंक प्राप्त करता है, मान लीजिए कोई कोई एग्जाम हो रहा है उसका पूर्णांक है 75 और पूर्णांक 75 में से वो 66 अंक प्राप्त करता है तो कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। जैसे मान लीजिए आप लोग ये एग्जाम देने जाएंगे तो मान लीजिए 150 प्रश्न में से आप अगर 100 आपके प्रश्न सही हो गए तो आप कुल कितने प्रतिशत प्रश्न सही करके हैं, तो ठीक है इसी पे हम बात करेंगे। जैसे कि 75 में से 66 अंक प्राप्त किया तो सीधे सीधे क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है 66 ऊपर लिखिए 75 नीचे करिए, ठीक है फिर गुणे 100 कर दीजिए, 66 ऊपर लिखे 75 नीचे, जितने आपको मिले हैं उसको ऊपर, जितने टोटल हैं उसको नीचे करके 100 से गुणा कर दीजिए, फिर काटिए 25 × 75 = 25 × 100, ठीक है 3 से ये जाएगा 22 बार में, 22 × 100 कितना हो गया 88, ऑप्शन नंबर बी क्लियर कैसे निकला है। देखिए 75 हमारे कुल पूर्णांक थे, 66 हमने मिले, ठीक है तो 75 को नीचे करिए 66 को ऊपर, क्योंकि 66 ही हमारे सही थे, तो अब फिर गुणे 100 क्योंकि प्रतिशत हमें तो निकालना है, जो 100 का प्रतिशत बराबर होता है क्या है, प्रतिशत का मतलब ये होता है कि 100, तो इसी तरीके से 100 से गुणा करेंगे काटा पिटा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 88, क्लियर हो गया। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियो हम लाएंगे, बस आज थोड़ा समय है कम है तो आज बस 7 प्रश्न है, बाकी हम और टोटल प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर के 2020 तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनमें हम आपको बता देंगे कि हाँ
किस तरीके से प्रश्न आते हैं और कैसे आपको प्रश्नों को हल करना है। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन देखते हुए आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आप डरिए नहीं, मैं से डरना नहीं है, 19 में से 10 आप 100% सही करके आएंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, थोड़ा समय का अभाव है आज, इसीलिए हम पूरे प्रश्नों को हल नहीं करा पा रहे। बाकी की और वीडियो आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।